नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। विद्यालय में 26 जनवरी की परेड की तैयारी शुरू। रोहतास जिले के संजौली प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय कैथी में फीट इंडिया के तहत छात्र छात्राओं को खेल संबंध कार्यक्रम के साथ ट्रेनिंग दिया जा रहा है और 26 जनवरी की परेड की विशेष तैयारी भी कराई जा रही है। आइए सुनते हैं पांडे जी और उपेंद्र कुमार ने क्या कहा। रोहतास जिला से जिला रिपोर्टर राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय कैथी और संझौली है। मेरे वॉलीबॉल में रुचि है। मेरे शिक्षकों द्वारा वॉलीबॉल खिलाया जाता है। मैं यह चाहती हूँ कि जिला तक भी खेलने के लिए जाए। पांडे उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय कैथी संझौली में बच्चों के पढ़ाई में जिज्ञासा जगाने के लिए तथा शारीरिक फिटनेस रहने के लिए फिट इंडिया के तहत रोज नियमानुसार नए खेल जिसमें परेड, वॉलीबॉल, कबड्डी बालक और बालिकाओं को सिखाया जाता है, जिससे हमारे बच्चे जिला ही नहीं राज्य अपनी प्रतिभा दिखाए तथा आगे 26 जनवरी के देखते हुए विशेष प्रोग्राम की तैयारी की जा रही है। धन्यवाद। मैं उपेंद्र कुमार, उत्क्रमित मध्य विद्यालय कैथी। हमारे यहाँ बच्चों को खेल प्रशिक्षक जितेंद्र कुमार पांडे द्वारा बहुत ही अच्छी शिक्षा दी जा रही है और रोज नए नए प्रकार के खेल लोग सिखाया जाता है। आगे 26 जनवरी देखते हुए या फिट इंडिया के तहत हमें रोज 1 घंटा बच्चों को खेल खेलना पड़ता है, जिसमें परेड है, कबड्डी, वॉलीबॉल, क्रिकेट, ये सारे बच्चे अच्छे से सीख रहे हैं, खेल रहे हैं और इनकी जिज्ञासा और बच्चों की जिज्ञासा और बच्चों का मेहनत को देखते हुए हमें लगता है कि आगामी जो बाल महोत्सव होगा क्रिकेट मैदान पर या जिला में या राज्य में, हमारे बच्चे वहां तक पहुंचेंगे और अपनी प्रतिभा को